His so called knowledge was useless in driving away his problems, which were drying up his whole existence, and it was impossible for him to solve such perplexities without the help of a spiritual master like Lord Krishna. Academic knowledge, scholarship, high position, etc., are all useless in solving the problems of life. Help can be given only by a spiritual master like Krishna. Therefore, the conclusion is that a spiritual master who is 100% Krishna conscious is the bona fide spiritual master. for he can solve the problems of life lord chaitanya said that one who is a master in the science of krishna science of krishna consciousness regardless of his social position is the real spiritual master thank you so much Is aage main padhaun kibha vipra ki banyashi shudra ki nenya ye krishna tattvavita se guru haya aap translation padhi it does not matter whether a person is a vipra

Uh, जैसा कि इन्होंने रीड किया मैं कर रहा हूं आपने भी रीड किया होगा साथ में सो अर्जुन ने पहला लाइन प्लीज देखिए अर्जुन पुटिंग फॉरवर्ड पहले अभी नहीं सो मेनी आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ रिलीजियन कोड्स ये कहा की बात कर रहे हैं शिला प्रभुपाल इफ यू रिमेंबर ही इज टॉकिंग अबाउट चैप्टर वन का एंडिंग पार्ट याद है चैप्टर वन के एंडिंग पार्ट में देवर रफली एट टू सिक्स से वन पॉइंट फोर्टी सिक्स तक जब अर्जुन बहुत सारे रीजन दे रहे थे बेस्ड ऑन कोड्स सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स कि इस, इस रीजन से हमको युद्ध नहीं करना चाहिए मारना नहीं चाहिए हमारे पास तो दिमाग है हम तो मैच्योर है ना तो छोटा अगर गलती करे बड़ा क्यों उसका साथ उसके बराबरी में आ जाए उसको तो समझदार है कि टॉलरेट करना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा ही लॉजिक्स दे रहे थे लाइक अगर इनको कुछ हो गया तो इनका अगला जनरेशन संस्कारी ठीक नहीं रहेगा उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा विमेन विल बी करप्टेड एंड आफ्टर डेट अनवांटेड पॉपुलेशन फिर उससे वर्ल्ड का रिसोर्सेस ठीक से बटेगा नहीं वार होगा पेस्टिट होगा फेमाइंस होगा सो इफ यू रिमेंबर गीता का लास्ट पंद्रह स्लोकस में अर्जुन गेव मेनी वेरी वेरी ब्यूटिफुल लुकिंग आर्ग्यूमेंट एज टू वायर देर शुड बी नो वायर इसी पार्ट को प्रभुपाद यहां पर बता रहे हैं सेकेंड लाइन इस सब के बावजूद भी even after giving such arguments deep down he was unable to solve his real problem without the help of a spiritual master real problem matlab मतलब, actually मुझे सच में क्या करना चाहिए मेरे लिए क्या ठीक रहेगा Confusion है so he could understand that his so called knowledge was useless in driving away his problems and it was impossible for him to solve them without the help of a spiritual master like lord krishna so हमने क्या डिस्कस किया था भगवान के अर्जुन के साथ अब तक तो चार रिलेशन हमको दिख रहे भाई मतलब कजिन उनका फ्रेंड नॉट uh, फ्रेंड भी मतलब नॉट मेटेरियल लेवल पे जो फ्रेंडशिप होता है जिसमें कोई uh, कोई स्वार्थ हो वैसा भी नहीं ठीक है थर्ड में चैरियो ड्यूटी वाइज एंड अब फोर्थ में अर्जुन ने सामने से उनको uh, गुरु का दर्जा दिया है स्पिरिचुअल मास्टर फॉर यू लॉर्ड कृष्ण तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे जो मैंने हाईलाइट किया है कि हमारी जो मेटेरियल एडुकेशन है जिस भी टाइप की और हमारी मेटेरियल जो अचीवमेंट्स होती है लाइफ में एस हमारी ड्यूटी हमको करनी चाहिए टू मेंटेन आवर सेल्स एंड आवर फैमिली जिनके लिए हम रेस्पॉन्सिबल है बट मनी मन इसको भी याद रखना है कि अल्टीमेटली हमारा जो लाइफ का प्रॉब्लम है एट द पॉइंट ऑफ डेथ एंड हमारे सोल के लेवल पे अब तो बॉडी का ध्यान रख रहे हैं सोल के लेवल पे जो हमको रियल गाइडेंस चाहिए जो हमको रियल सक्सेस मिल सकता है दैट कैन ओनली बी बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर लाइक कृष्णा बार बार कृष्ण का नाम क्यों आ रहा है क्योंकि सक्सेशन में नंबर वन इज कृष्णा देन देन नारद मुनि ऐसे करते करते लास्ट में हमारे गुरु आचार्य आते हैं सो so कंक्लूजन यही है कि स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल मास्टर मास्टर हु इज हर को spiritual master नहीं ये बोलना जरूरी है कि स्पिरिचुअल मास्टर हुईज वन हंड्रेड परसेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस क्योंकि आज के डेट में आप देखिए कितने अलग अलग टाइप के स्पिरिचुअल मास्टर्स आ गए हैं आधे लोगों पे तो हम भरोसा ही नहीं कर पाते उनकी बोली देखकर ठीक है उनका कप, कपड़े पहनने का ढंग देखकर या उनका चरित्र देखकर और ऐसे लोगों के वजह से क्या होता है कि भक्ति से लोगों का विश्वास उठ जाता है कि ये जो लोग डिवोशनल सर्विस में है ना ये लोग सब ढोंगी होता है ये लोग सब या तो पैसा के पीछे या तो पॉलिटिक्स के पीछे या तो कुछ कुछ फ्रॉड होता है ये लोग ठीक है सो फॉर सम फ्यू सॉर्ट ऑफ पीपल पूरा का पूरा डिवोशन से ही लोगों का भरोसा उठ जाता है कलयुग में दैट इज वाइट हमको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि एक्चुअली गुरु कौन है वो, वो है तो मुश्किल है क्यों क्या होता है हंड्रेड परसेंट कृष्णा कॉन्शियस होना व्हाट एवर यू डू वट एवर यू सी वट एवर यू ईट व्हाट एवर यू स्पीक एवरी थिंग इज इन रिलेशन टू कृष्णा उनसे परे कुछ नहीं है दैट इज बींग वन हंड्रेड परसेंट कॉन्शियस ठीक है सो so, अगर गुरु के सामने कोई मान लीजिए कुछ खाने का कोई आइटम आ गया कोई प्रसाद आ गया उनके माइंड में और हमारे साथ क्या होगा हमारे सामने कोई अगर हमारा फेवरेट डिश किसी को पाव भाजी पसंद है किसी को छोला भटूरा किसी को पिज्जा पसंद है हमारे सामने आते ही पहले क्या होगा क्या हमको ये याद आएगा हे कृष्णा थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस पहले आप इसको ग्रहण करिए आपका लिए वह प्रसाद में ग्रहण करूंगा इतना लंबा पैराग्राफ किसी के दिमाग में नहीं आएगा ठीक है नॉट एटलीस्ट वेन वी आर इन द बिगिनर स्टेज पहले सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले मुंह में पानी आएगा उसके बाद जो है वो है ठीक है गुरु अगर इसी सिचुएशन में गुरु हो तो उनका लेकिन रेस्पॉन्स कंप्लीटली डिफरेंट होगा क्योंकि अभी हम हम एज बिगिनर्स तो अपने सेंसेस के दास ठीक है, है ना सेंसेस के दास है एक होता है गोस्वामी गोस्वामी टाइटल कितना बड़ा वर्ड होता है गो मतलब सेंसेस स्वामी मतलब मास्टर सो so, गुरु इज अ गोस्वामी मास्टर ऑफ सेंसेस वी आर गो दास सर्वेंट ऑफ द सेंसेस ठीक है सो दैट इज द थिंग चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ भी देख लेते हैं यहां पर चैतन्य महाप्रभु कौन है अगेन चैतन्य महाप्रभु इज लॉर्ट कृष्णा देखिए यहां पर एक कोट लिखा है इट नॉट मैटर विप्र मतलब कोई बहुत ज्ञानी है लर्न इड स्कॉलर ठीक है कुछ कुछ लोग पीएचडी करते हैं भगवत गीता में देर आर पी एच डिग्री मास्टर डिग्रीज ऑल्सो मान लीजिए किसी ने वो किया और पीएचडी करते आपके आगे डॉक्टरेट लग जाता कि यू आर अ डॉक्टर इन भगवत गीता मान लो वो ज्ञानी हो या ऑन द कॉन्ट्रेडी कोई बहुत लोअर फैमिली में पैदा होने वाला कोई हो जैसे मान लो डॉग ईटर्स का फैमिली ठीक है चंडाल्स बोलते हैं उनको वेरी लो फैमिली कुछ भी खा लेंगे सरवाइव करने के लिए या फिर कोई संन्यास हो एकदम साधु संन्यास हो जिसने सब रिनाउंस कर दिया है कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्णा तीन अलग अलग टाइप के लोग हैं बट तीनों में इफ वन ऑफ अ मास्टर इन द साइंस ऑफ कृष्णा

जो जितना लर्नेड डेबूटी का बेटा है वो उतना ही लर्नेड हो गया योर ओन पर्सनल क्वालिफिकेशन ठीक है आप अपना सोल के लिए खुद लाइबल है खुद रिस्पॉन्सिबल है और कोई उसका हिसाब नहीं देगा तो इवन इवन इट्स इन इफ वन इज अ चंडाल फैमिली मतलब फैमिली ऑफ डॉग ईटर्स वेरी लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड उनको माना जाता है इवन अ पर्सन बॉर्न इन दैट फैमिली कैन बिकम द ग्रेटेस्ट एंड प्योरेस्ट ऑफ डेबुटीज और आचार्य आचार्य मतलब जिनके आचरण बिहेवियर से हम सीखते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं हु सेट्स एग्जांपल थ्रू हिज बिहेवियर ही कैन बिकम एन आचार्य इफ ही मेक्स हिमसेल्फ क्वालिफाइड एनफ ठीक है सो दैट्स द थिंग अच्छा चलिए अब ये पार्ट को मैं फटाफट एंड करता हूं अ स्कॉलरली ब्रह्मा ये तो हमने अभी-अभी देख लिया अगर कोई बहुत स्कॉलरली ब्राह्मण है ठीक है वेरी वेरी लर्निड एक्सपर्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट इवन ही विल बी अनफिट टू बिकम अ अ स्पिरिचुअल मास्टर विदाउट बीइंग वैष्णव और एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस लेकिन अ पर्सन इन बॉर्न इन द फैमिली ऑफ अ लो कास्ट कैन बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर इफ ही इज वैष्णव और कृष्णा कॉन्शियस हम जिस संस्था से बिलोंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं इसकोन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ठीक है दिस इज द मोस्ट important थिंग हो सकता है कि uh, हमको सारे स्लोक्स मेमोराइज ना हो ठीक है लेकिन हम लोग तो छोटा छोटा एफर्ट दे सकते हैं कृष्णा कॉन्शियस होने के लिए जैसे हम लोग क्या डिस्कस करते हैं जब हमारे सामने खाना आता है तीन टाइम उससे पहले एक बार भगवान को याद कर ले कि थैंक यू फॉर एटलीस्ट ऑफरिंग मी फूड यूर विद मिलियंस ऑफ पीपल डाई ऑफ स्टार ये तो बहुत ही बेसिक चीज है और ये आप शुरू करेंगे ना धीरे 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 आपका आदत अपने आप बन जाएगा क्योंकि खाना तो सब लोग खाते हैं वो कोई स्किप नहीं करता रोज़ है ना? Right. Birth, age, disease, death, so, इतने सालों सालों से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स ये डेवलपमेंट्स वो डेवलपमेंट्स ठीक है जिससे हमारा थोड़ा बहुत लाइफ स्टाइल में काफी चेंजेस हो गया और कन्वीनियंट हो गया बट कभी भी कोई इन चारों का हल नहीं निकाल पाया बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ इसमें मेरा ये मतलब है बोलने का कि बर्थ के टाइम जो पेन होता है लेबर पेन नौ महीना तक बच्चा एकदम मतलब बहुत कॉन्ट्रैक्टेड स्पेस में रहता है ओल्ड एज बहुत पेनफुल होता है ओल्ड एज फिजिकली मेंटली हर तरफ से बहुत पेनफुल होता है डिजीज डेथ सारी चीजें

सो so, अभी क्या एग्जाम्पल है बहुत डेवलप जगह बोलते हैं सबसे डेवलप्ड जगह मान लीजिए तो हमारे मन में क्या एग्जाम्पल आता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको अभी के लिए वर्ल्ड का सुपर पावर द मोस्ट डेवलप्ड नेशन मानते हैं इट हैज इट्स ओन सेट्स ऑफ प्रॉब्लम ठीक है जब पूरी दुनिया में आज से पचास साल पहले मान लीजिए वेन इट वॉज वेरी वेरी डेवलप्ड जब पूरा दुनिया उनके साथ आगे उनके रेस में था ही नहीं उनके कहीं भी करीब टेक्नोलॉजिकली कल्चरली हर वाइस में ठीक है तब उनके पास एक नया सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आने लगे अब मेंटल प्रॉब्लम डाइवोर्सिस का रेट बढ़ना हिपीस कल्चर आ जाना जब शिला प्रभुपात एंटर्ड अमेरिका हिप्पी का कल्चर था मतलब कंप्लीटली ड्रग एडिक्टेड यूथ ठीक है अब उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है जिंदगी में मेहनत करने के लिए कुछ करने के लिए तो क्या करो बैठ के आराम करो इंटॉक्सिकेशन करो ड्रग्स करो और नॉनवेज खाओ ये सारी चीजों मतलब जो पब्स और बार का कल्चर था पूरा उसमें लेन हो गया ठीक है इफ यू नोटिस इन लाइक बार्स और पब्स जो होते हैं उसमें आपको नॉनवेज खाने के लिए भी मिल जाएगा आपको ड्रिंक करने के लिए भी मिल जाएगा या इंटॉक्सिकेशन uh, उसमें ऑपोजिट जेंडर्स के प्रति अट्रैक्शन पाने के भी कई जरिए है सो सेक्स एंड अफकोर्स गैम्बलिंग तो होता ही है जैसे कसिनोज वगैरह में। सो इन इन ये जो तरीके की चीजें हैं दे आर द बेस्ट वेस अगर आपको अपने चार नियमों को भंग करना है प्लीज गो देर दैट्स टू ब्रेक ऑल मतलब एक ही जगह में आपको चारो काम हो जाएगा आपका ठीक है सो वो कल्चर बहुत बढ़ गया था अमेरिका में स्पेशली द ड्रग प्रम इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हो गया दुनिया से आगे निकल गया लेकिन फिर मुड़के देखा तो अलग टाइप का प्रॉब्लम आ गया एक को सॉल्व करते ही ठीक है इनफैक्ट आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पहले से पता होगा इसके बारे में बट सीरियल किलिंग का कल्चर बहुत प्रेवरेंट हो गया था इन द अर्ली अर्लीवेंटीज एंड एटीज सीरियल किलिंग एक होता है एक बार मर्डर कर दिया आउट ऑफ uh, दुश्मनी या कोई लालच सीरियल किलर्स मतलब बार बार किलिंग करते या तो मेंटली सिक है या फिर उनका अपना ही उनको एक एंजॉयमेंट मिलता है इस चीज में नो लेजिट सो वो चीज भी बढ़ गया था इसमें ठीक है सो so, अपने आप है, है? चलिए हम लोग अमेरिका की पचास साल की छोड़िए हम लोग यहाँ बैंगलोर की बात करते हैं इंडिया का आई हब या इंडिया का सिलिकॉन वैली ठीक है हर पहला स्टार्टअप बैंगलोर में शुरू होता है सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया में फैल जाएगा सो so, ये बहुत ही डेवलप्ड है कर्नाटका का ये स्टेट बैंगलोर सिटी नाउ ये आपको पता है बट क्या हमको ये पता है कि इंडिया का सुसाइड कैपिटलिस्ट बैंगलोर सबसे ज्यादा सुसाइड बैंगलोर में होते हैं क्या हमको पता है कि इंडिया का डाइवर्स कैपिटलिस्ट बैंगलोर सबसे ज्यादा डाइवर्स बैंगलोर में होते हैं मतलब एक प्रॉब्लम छोड़ा तो दूसरा प्रॉब्लम आ गया अल्टीमेटली ठीक है सुसाइड्स भी सबसे ज्यादा यहाँ यहां भी सबसे ज्यादा यहाँ जबकि ये लोग तो काफी पढ़े लिखे लोग हैं एक तरह से सो दिस इज द थिंग दैट इज व्हाई प्रभुपाद का ये एग्जांपल पचास साल पहले अमेरिका के लिए और आज भी ये हमको वैलिड दिख रहा है सो लेट्स गो डाउन नाउ टू द लास्ट पैराग्राफ

ज द राइट पाथ फॉर पीस एंड हारमोनी ठीक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सुप्रीम दर्ल्ड बाई मेटेरियल नेचर हम देखते हैं कैसे मेटेरियल नेचर का जो प्रकोप है बेस्ट एग्जाम्पल डिजास्टर्स एक क्षण में सब कुछ जो है प्रकृति मदर नेचर कैन टेक अवे इवन एलिवेशन टू हायर प्लानी सिचुएशन एज मैन आर नाउ सीकिंग ऑन द मून प्लेनेट ट तो में लैंड किया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हम बोलते हैं सो so, आज भी देखिए हम लोग अभी तो मून की बात करें थे पिछले महीने तक चंद्रयान थ्री एंड ऑल दैट ठीक है सो so, ये सिलसिला चल रहा है नथिंग एज चेंज और ये चीजें भी हम जो सोचते हैं कि हायर प्लेनेट से जाएंगे मैकेनिकल अरेंजमेंट से इसको भी कंपेरेटिवली बहुत इजीली हम लोग अचीव कर सकते हैं जस्ट बाय आपको जिस प्लेनेट में जाना है उस प्लेनेट के डेमीगॉट को आप पूजिए ठीक है इट्स वेरी सिंपल आपको स्वर्ग रूप में जाना है ना तो आप आज से इंद्र जी की पूजा शुरू कर दीजिए यूल गो दे ठीक है आपको सूर्य लोक में जाना है सन प्लेनेट में कि देखे भाई हम भी क्या है तो सूर्य देवता की पूजा करिए गो यू हैव टू 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 गो गो कृष्णा 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 सिंपल

मेंटली uh, मैच्योर होना किसको बोलते नहीं पता लेकिन हाथ में सोशल वो फोन आ गया बिकॉज फोन का कोई लीगल लिमिट नहीं है किसी भी उम्र में पकड़ा दो बच्चे को तो हम खोलते हैं सोशल मीडिया हम दुनिया भर के लोगों को देखते हैं और कहीं ना कहीं मे बी नॉट टूडे मे बी नॉट टूमोरो बट कभी ना कभी सबको अपने लाइफ में एक पॉइंट में इनसिक्योरिटी फील हुआ होगा कि आई एम नॉट वेरी गुड लुकिंग आई एम नॉट दिस टॉल और दिस हेल्दी और आई एम नॉट दिस रिच सबसे ज्यादा एम नॉट दिस फेमस आई एम नॉट दिस टैलेंटेड ऐसा ऐसा चीजेगा इनसिक्योरिटी आया होगा लोगो को देखकर ठीक है स्पेशली सिलेब्रिटीज जो हम लोग बोलते हैं इट कैन बी स्पोर्ट्स पीपल इट कैन बी फिल्म स्टार एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है, है? यहां पर एक स्टेटमेंट है एंड प्लीज एवर लुक वेन द रिजल्ट ऑफ पायस एक्टिविटीज पुण्य अच्छे कर्म जब उसका जो फल है उस फल का घड़ा खत्म हो जाता है वन फॉल्स डाउन फ्रॉम द पीक ऑफ मेटेल है मतलब वापस लौट के बुद्धू घर को है सर्कल वापस हो गया सो so, हमने एक बार एग्जांपल लिया था हो सकता है आपने सेशन अटेंड नहीं किया हो नेमार एक फुटबॉलर है उनका ठीक है एवर एफ्लुएंट पीपल यू सी टुडे नो डाउट दे हैव सम डन समथिंग गुड इन देयर लास्ट लाइफ एंड आल्सो दे मस्ट हैव डन सम एफर्ट्स कुछ मेहनत इन दिस लाइफ सो दे आर देयर राइट नाउ कभी भी इनजस्टिस नहीं होता है कहीं कही ना कहीं उनका लिखा हुआ था डिजर्विंग करते थे वो इस जन्म में आपको लग रहा होगा कि इसको तो बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया बॉर्न इन सिल्वर स्पून हो सकता है उसने लास्ट लाइफ में बहुत मेहनत की थी उसको उस टाइम नहीं मिला इस जन्म में मिल गया एनीथिंग इज पॉसिबल ठीक है सो so जिसको जितना मिलना है उसको वो मिलेगा उसमें इनजस्टिस का स्कोप नहीं है बिकॉज गॉड इज अरेंजिंग दिस ठीक है बट ये सोचना कि ओके प्लीज गिव मी अकेंड है जस्ट अ सेकंड हरे कृष्णा आई एम सो सॉरी सो वही है ठीक है ना जस्ट बिकॉज लास्ट लाइफ में एकदम सब सब ठीक था इस लाइफ का उसका भोग मिल रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि इसका तो लाइफ एकदम सही है ये तो सारा पाप कर रहा तो है सारा फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल तोड़ रहा है देन फिर हम क्यों भक्ति में यहाँ बैठे हैं ये बोरिंग लाइफ में ऐसा नहीं है तो इस लॉजिक से हमको बाहर आना है सबसे पहले बिकॉज आप जानो या ना जानो अरे बड़े बड़े बेवकूफ है क्या कि वो करोड़ों करोड़ों रुपए सेकंड के एडवर्टाइजिंग में इन फिल्म स्टार्स को दे देते हैं उनको पता है हमारी सोसाइटी इन्हीं से इंस्पायर होगी ठीक है वो फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान हो या कोई लो लेवल का कोई एक्टर हो कोई क्रिकेटर हो इन्हीं से इंस्पायर होगी यही हमारे लीडर्स से हो गया सोसाइटी के सो so बेवकूफ नहीं है जो करोड़ों रुपए एडवर्टाइजिंग में खर्च कर रहे हैं हम इन्फ्लुएंस होते हैं ये सच है इसीलिए हो कर रहे हैं वो लोग टेंट so ठीक है सो एट दिस स्लोका जस्ट टू लेट यू नो अर्जुन ईज से ही यही आप ही मेरा एक मतलब सोल्यूशन है अगर मेरे को पूरा अर्थ मिल गया तो भी मैं खुश नहीं हो पाऊंगा सो आई नीड योर सोल्यूशन नाउ वी स्टार्ट विथ स्लोका नंबर नाइन ओके सो प्लीज एनब्यूट योर सेल्स फटाफट इसको भी हम लोग खत्म करते हैं. अब हो गया संजय ओबाचन संजय जी दीक है

दो नाम कृष्ण के यहाँ पर छुपे हैं और एक नाम अर्जुन का यहाँ पर छुपा है कौन आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करिए आप कोशिश करिए सिर्फ एक का ठीक है एनी वन सो मैं सबसे ओके पह... okay. दिशा सुहाना पूर्वी आप लोग एक एक आंसर देंगे सबसे पहले दिशा जी, तो जी अर्जुन ओके okay, बस करेक्ट सुहाना करेक्ट लास्ट वन थैंक यू सो मच फाइनली आप लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं थैंक गॉड बहुत अच्छा लगा देखकर सो so, इसमें जस्ट टू लेट यू you नो know, गुणकेश जो है ये अर्जुन का नाम है ठीक है गुणकेश का मतलब द वन पर्सन हुआ स्लीप स्लीप का एक्चुअल मीनिंग है इग्नोरेंस ठीक है सो so, अर्जुन इज अ महात्मा महात्मा मेंटेलिटी से गुणाकेश है वन हुज कॉन्क्वर्ट स्लीप और इग्नोरेंस दैट इज अर्जुन बाकी तो नाम है ऋषिकेश है फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन में गोविंदम यहाँ पर आप देखिए इसके मीनिंग्स लिखे हैं ऋषिकेश senses हमारे पांच इंद्रिया उनके मास्टर है कृष्णा ठीक है सो so, ऋषिकेश गुनाकेश का मीनिंग क्या लिखा है अर्जुन हु इज द मास्टर ऑफ कर्डिंग इग्नोरेंस ठीक है कॉन्क्वर्ट स्लीप लास्ट में गोविंदम कृष्णा अगेन गोविंदम का मतलब हु गिव्स प्लेजर टू द सेंसेस और एक और मीनिंग होता है गो मतलब गौ को भी हु गिव्स प्लेजर टू द काऊ एंड द सेंसेस हमारी इंद्रियों को भी भगवान से ही सुख मिलता है और जो गाय है काऊ है उनको भी भगवान से ही सुख मिलता है थ्री नेम्स ठीक है सो इसका ट्रांसलेशन प्लीज पढ़िए नीचे क्या लिखा है संजय सेड हैविंग स्पोकन दस अर्जुन चेस्टाइजर ऑफ एनिमीस परंतपा अर्जुन जी का एक वो है टाइटल वो दुश्मनों को भगा सकते हैं ठीक है दैट इज इज पावर ही कैन भगा दो इनको यहां से ही कैन ड्राइव अवे सो अर्जुन टोल्ड कृष्णा गोविंद आई शैल नॉट फाइट एंड फेल साइलेंट क्या लगता है यहाँ पर गुणा केशा क्यों बोला गया उनको यहां पर संजय जी किससे बात कर रहे हैं जल्दी टाइम नहीं आप लोग इतना धीरे धीरे आंसर करेंगे तो थोड़ी ना होगा हाँ आज सिर्फ तीन ही लोगों का हाथ उठा पता नहीं क्यों ठीक है सुहाना आप बताइए ओके यू आर नॉट हरे कृष्ण प्रभु जी राष्ट्र जी थैंक यू ज्योति करेक्ट यहां पर कॉन्टेक्ट को समझना जरूरी है कि ये पर्पज क्या है ऐसा वर्ड यूज करने का संजय इज टॉकिंग टू इस तो दिट्राश। दिट्राश नहीं चाहते हैं कि ये कृष्ण और ये अर्जुन ये युद्ध को जीत जाए राइट सो धिटराज तो यही चाहेगा कि ये लोग का मोरल डाउन ही रहे तो ये श्लोक का जब संजय बोल रहे हैं ना तो धिटराज को खुशी हुई सुनकर कि ओके ही विल नॉट फाइट यार बहुत बढ़िया बहुत सही है इट्स लाइक की दो क्रिकेट टीम्स का मैच है और आपको पता चला कि ऑपोजिट टीम का कैप्टन बेस्ट प्लेयर वो इंजर हो गया सो बहुत ही बढ़िया अब हमारा एडवांटेज है लेकिन जान बुझ के संजय इज गिविंग इनडायरेक्ट हिंट्स क्योंकि राजा को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा बट इनडायरेक्ट हिंट्स दे रहे हैं इतना आप ऐसा उम्मीद मत रखिए दे विल फाइट क्योंकि हु इज अर्जुन अर्जुन जी का दूसरा नाम लिया जा रहा है गुण अर्जुन हमेशा इग्नोरेंस से ऊपर आ ही जाता है लास्ट पे ठीक है हु इज कृष्णा कृष्ण ऋषिकेश और गोविंदा मतलब मैं सेंसेस का ओनर हूं और मैं सेंसेस को प्लेजर देता हूं सो so, पर अर्जुन ने बोला गोविंदा आई शेल नॉट फाइट मतलब इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि यू गोविंदा मीन यू आर द गिवर ऑफ प्लेजर टू सेंसेस आई नॉट फाइट सो प्लीज डू द बेस्ट फॉर मी आई वॉन्ट द बेस्ट आउट ऑफ माई सेंसेस सो क्या करना चाहिए गाइड मी ठीक है और संजय जी इसको और एम्फोसाइज हैं कि हाँ कृष्ण ही तो सेंसेस को प्लेजर देंगे आफ्टर ऑल ही इज द ओनर ऋषिकेशा ऑफ ऑल सेंसेस सो ये गुणा वर्ड यूज करके वो ढिट्राज को अवेयर कर रहे हैं सबकॉन्शियो so, काफी डिप्लोमैटिक था ये ये वाला स्लोका लेट्स मस्ट है्लैड टू अंडरस्टैंड अर्जुन वॉज नॉट गोइंग टू फाइट एंड वॉज इंस्टेंट लीविंग द बैटल फील फॉर डेगिंग प्रोफेशन बट संजी आर डिसन इन रिलेटिंग टू किल हिस्स एनीस परनीवीज ठीक है सो अर्जुन का भी एक तरह से दो नाम है कृष्ण का भी दो नाम है

Okay, so, right. Now, अब हमने देख लिया ये पार्ट अर्जुन जी का बोलना हो गया और संजय जी टाइम में बोल रहे हैं गोविंद ही शेल नॉट फाइट ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं ठीक है अब चैप श्लोका नंबर टेन फाइनली इतना धीरे धीरे चल चल के हम लोग टेंथ श्लोका तक आ गए ये बहुत छोटा है तो इसको तो हम लोग अभी टैकल कर सकते हैं ठीक है सो so, जस्ट टू कर लेता हूँ हरे कृष्ण भगवदीता अर्जुन है अगेन अर्जुन का एक अच्छा नाम ले रहे है कैसे उनके पापा के साइड से मम्मी के साइड से बोलते है प्रथा मतलब सॉरी ओ पार्थ या पुत्र अर्जुन आप पापा के साइड से जब रेफर करना होता है तो भारत भारत बोलते हैं मतलब यू आर डिसेंट तुम जिस डायनेसी से आते हो वहां पे भारत जैसे ग्रेट किंग्स रहे हैं ठीक है हमारे कंट्री का एक नाम विच इज भारत सो ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत ओ भारत वंशी जो तुम इतने महान राजा हो एट दैट टाइम ओ ओके बाय द वे अर्जुन जी के अलावा ओके दिस इज वॉट आई मिस्ड प्लीज अ लुक अर्जुन जी को तो कृष्ण भरत भरत बोलते हैं बट यहाँ पर दिस इज संजय टॉकिंग संजय संजयिंग टू ढिट्रास्ट ढिट्रास्ट्र तो उसी के ना जहाँ से अर्जुन और पांडव और है so यहाँ पर वो उनको बोल रहे हैं कि है, है, मतलब मतलब मध्य बीच में सेना योर उध्य इन द मिस्ट ऑफ बोथ पार्टीज स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स टू द ग्रीफ अर्जुन

अर्जुन जी पंद्रह पंद्रह स्लोका जो है सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस और ये सारी रेफरेंसेज से जस्टिफाई करे थे वो शुड नॉट फाइट लेकिन डिसीजन लेने के बाद भी वो दुखी थे अभी भी वो कंफ्यूज थे कि आर यू श्योर आई शुड नॉट फाइट प्लीज आप थोड़ा बता दीजिए सही क्या रहेगा सो so, अब कृष्णा इज स्माइलिंग कि अब तुम्हारा वो ज्ञान कहाँ गया ठीक है द टॉक वॉज गोइंग ऑन बिटवीन इंटीमेट फ्रेंड्स नेमली ऋषिकेश एंड गुनाकेश एज फ्रेंड्स

कि पांच तरह से आप कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं या कृष्ण के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं ठीक है सबसे पहला एक्टिव स्टेट में जैसे भगवान का दास बन जाए भगवान का भक्त उनकी पूजा करना आराधना करना एक्टिव स्टेट स्टेट है पैसिव स्टेट. कुछ लोग सोचते हैं कि काश मतलब ऐसा इमोशन है कि काश में भगवान का कान की बाली में बन जाओ या भगवान की जो वो फ्लूट उनके हाथ में है काश में वो फ्लूट बन जाओ काश में वो मोरपंख बन जाओ जो उनके सर पे लगाए काश में उनका वो ड्रेस बन जाओ ठीक है काश में उनका मुकुट है उसमें मुझे वास मिल जाए तो कुछ चीजों में मतलब एक्टिव स्टेट में तो आप इंसान हो पैसिव स्टेट में आप नॉन लिविंग बींग हो ठीक है सो वो भी कुछ कुछ लोगों का इमोशन होता है ठीक है जैसे कुछ ओके uh, एनी okay, एक्टिव स्टेट पैसिव स्टेट थर्ड या तीन चार पांच यहां पर लिखा है फ्रेंड सन अलवर सो देर आर फाइव वेज इन विच यू कैन एस्टैब्लिश रिलेशन विद कृष्णा अब यहां पर आइए

मिडिल ऑफ बोथ पार्टी ये नहीं कि अच्छा अर्जुन तुम डर हो, चिंता मत करो कोने में चलो तुमको मैं अच्छे से समझा देता हूं क्यों सो देफिटेड तो कोई ये नहीं बोल सकता कि भगवदगीता सिर्फ अर्जुन के लिए थी या भगवदगीता सिर्फ क्षत्रियो के लिए होती है नहीं

ठीक है सो so, प्लीज कोशिश करेगा कि अक्टूबर महीने के सेशंस को आप मिस ना करें बस हफ्ते में एक घंटे की बात है नाउ बिफोर वी एंड से हमको एक चीज करना था करना था, एक स्टोरी है बहुत छोटा सा कि शिला प्रभुपाद को अब हम जानते हैं है ना हुई शिला प्रभुपाद, हुई शिला प्रभुपाद एनी वन बस एकदम आंसर दे दीजिए एक लाइन वाला अंशी जी आप बताइए संस्थापका चाह रहे थे थैंक यू सो मच करेक्ट राइट फाउंडर ऑफ इसकॉन ठीक है So, उनको ना अब हम जानते हैं कि ही नाउ right उन्हीं के बुक्स के माध्यम से हमको ऑथोरिटेटिव ज्ञान मिल रहा है वरना हमको गलत इंटरप्रिटेशन देने वाले ढोंगी बाबास बहुत है ठीक है तो अब क्या है एक बार उनकी ये एक स्टोरी है एक बार शीला प्रभुपाद को एक डिसाइपल ने पूछा था अभी जैसे आप देख सकते कि अब गुरु के कृपा से जो इनिशिएशन मिला है तो नाम चेंज हो जाता है ठीक है सो आई हैव न्यू नेम नाउ प्रेम अंचन दास एक बार प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे इनिशिएटेड जो दीक्षित थे उन्होंने उनको पूछा प्रभुपाद मैं हमेशा अपना नाम भूल जाता हूँ क्या नाम रखा है ठीक है एक्चुअली आदत नहीं होती है ना सो शुरुआत में भूल जाते हैं और नाम भी थोड़ा सा लंबा होता है दो तीन वर्ड्स होता है नाम में ठीक है सो so, मुझे भी एक दो दिन लगा ठीक से याद करने में सो so, उस टाइम लोग होते हैं जो बहुत बुढ़ापे वाले होते हैं उनका तो मेमोरी पावर और खराब होता है So, प्रभुपाद एक दिन बैठे थे एक डिसाइपल आए और उनको बोले प्रभुपाद हमेशा ना मैं अपना इनिशियटिव नेम भूल जाता हूँ तो मैं क्या करूँ ये तो सही बात नहीं है ना नाम तो याद रखना चाहिए मेरा नाम है तो प्रभुपाद ने बोला कि क्या नाम है तुम्हारा ठीक है उसने लिख के रखा था तो उन्होंने अपना वो निकाल के देखा और उन्होंने अपना वो नाम बताया मान लीजिए अभी मुझे याद नहीं रहा मान लीजिए उनका नाम यही था प्रेम अंजन गौर हरिदास सो उन्होंने बोला मेरा नाम प्रेम अंजन गौर हरिदास है बट मुझे याद नहीं रहता तो फिर प्रभुपाद ने बोला ठीक है एक काम करो तुम वो फर्स्ट नेम भूल जाओ ठीक है तीन वर्ड है ना फर्स्ट भूल जाओ बाकी तो याद रह पाएगा गौर हरी दास फिर उसने सोचा फिर उन्होंने बोला कि नहीं ये भी मुश्किल है अब तो कहाँ याद रहेगा इस एज में फिर प्रभुपाद ने लास्ट में क्या बोला एक काम करो तुम सब भूल जाओ बस वो लास्ट में एक दास वर्ड है उसको बस तुम याद रखना तो तुमको कोई दिक्कत नहीं तुम कभी ये मत बोलो तुमको नाम नहीं याद है इफ़ यू तुम्हारे नाम में दास है anything, गलती से, okay. जितने भी लोग होते हैं सबको सरनेम सेम मिलता है विच इज दास जितने भी माताजी होते हैं उनको सेम सरनेम मिलता है विच इज देवी दासी ठीक है सो so फर्स्ट नाम अलग हो सकता है बट लास्ट में सरनेम सेम है दास और देवी दासी एंड प्रभुपाद सेड इतना ब्यूटीफुल स्टोरी है इससे हमको समझ में आ रहा है दास का क्या मीनिंग होता है हम लोग देखते कुछ बंगाली सरनेम लगते हैं आज के डेट में बट ये बस एक ऑर्डिनरी सरनेम नहीं है दास मतलब सर्वेंट सिंपल दास मतलब सर्वेंट मैं आपका दास हूं हरि का दास हूं ऐसे बोलते हैं ना तो प्रभुपाद ने बोल दिया उनको कि तुम बाकी भूल जाना गलती से अगर भूल भी हो तो चलेगा ये मत भूलना कि यू आर अ दास योर नेम इन योर नेम यू आर अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा और योर गुरु जिन्होंने आपको ये नाम दिया वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी मैंने रिसेंटली सुना सो so मुझे लगा कि आपसे करना चाहिए ठीक है? All right, then, uh, 11 तो next time करेंगे हम लोग और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज बिफोर यू गो आप लोग सब चैट करते हैं हमारे ग्रुप के माध्यम से हमको बताते रहिए हमको इंस्पायर करते रहिए एंड आई थिंक आई हैव अ राइट टू नो कि आप कैसा कर रहे हो आपके डेली लाइफ में कैसा परफॉर्म कर रहे हो ठीक है सो so, अफकोर्स करते भी है सुहाना दिशा कृति श्रुति तपति एंड और भी कुछ कुछ लोग हैं जो कभी कभार करते हैं बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा नमीशा ठीक है अंशु जी भी करते थे पहले सो so, आप लोग तो प्लीज इस चीज पे रेगुलर रहिए क्या है कि जिसका मैं ये देखूंगा कि इसका रोज मैसेज आ रहा है तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ हमारा ये मेंबर करे 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 उसका मिस नहीं हो रहा है भले ही एक करे, भले ही ही एक सो उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है सो दिस इज द लीस्ट आई कैन आस्क सो प्लीज 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 टेक केयर ऑफ इट ठीक है एंड जस्ट बिफोर आई गो आई वॉन्ट टू लेट यू नो दैट एक एक इंसिडेंट है एक बार मेरे फोन पे बहुत ज्यादा स्टोरेज हो गया था ठीक है आजकल फोन वन ट्वेंटी के आते फिर भी कम पड़ जाता है सो एकदम स्टोरेज बहुत हो गया और बार बार नोटिफिकेशन बोल रहे हैं कि अरे भाई थोड़ा कम करो यहाँ सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं सो so, मुश्किल से थोड़ा सा इतो सा तो जगह बचा था फोन पे तो फोन स्लो हो जाता है उस टाइम पे क्या हुआ जस्ट ताकि मैं अपना फोन को नॉर्मल फंक्शन करा पाऊं बहुत सारे एप्लीकेशन होते फोन पे तो जो इन मतलब तो जो जरूरी नहीं थे अनइम्पॉर्टेंट उनको फटाफट हम लोग डिलीट करते गए ठीक है ये रिसेंटली हुआ था उसको मैंने डिलीट किया तब जाके फोन नॉर्मल हुआ तो जब हमारे पास स्टोरेज की कमी थी तो हमने सिर्फ उस पर फोकस किया जो एप्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो इंपॉर्टेंट नहीं है टेम्पोर उसको डिलीट कर दिया इसी तरह से अगर हम ह्यूमन लाइफ को देखें हमको ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है या अनलिमिटेड स्टोरेज है ठीक है बट अगर हम ऐसे देखना शुरू कर दिए कि दिस इज अ ह्यूमन लाइफ ये तो मिलियंस ऑफ बर्ड्स के बाद आने वाला एक मौका है हमारे पास ठीक है और हमारी शरीर के प्रति इतनी ड्यूटी है कि उसको मेंटेन करो खाना पीना रहना उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेसिक अपना चलना चाहिए उतना ही ड्यूटी है बाकी टाइम सोल पे ध्यान दे तो अगर हमको ये जैसे स्टोरेज का मैंने एग्जाम्पल लिया अगर हमको ये पता चल जाए कि हमारा टाइम लिमिटेड है वी हैव लिमिटेड टाइम आपको मेटेरियली सक्सेसफुल होना, होना है स्पिरिचुअली होना दोनों ही केस में वी हैव अड टाइम वैसा अगर आप सोचोगे तो क्या होगा अपने लाइफ से आप अनइंपॉर्टेंट एप्स हटा दोगे मतलब जो चीजें जरूरी नहीं है गलत चीजें डिस्ट्रैक्शंस

अगर आपका डाउट है तो रुकिए वरना आप जा सकते हैं ठीक है टेक केयर बाय बाय हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा